पूर्व मंत्री मोहसिन रजा को मिली नई जिम्मेदारी। मोहसिन रजा राज्य हज कमेटी के चेयरमैन बने। सरकार ने हज कमेटी का चेयरमैन मोहसिन रजा को नियुक्त किया। मोहसिन रजा पहुंचे हज कमेटी कार्यालय। मोहसिन रजा ने हज कमेटी कार्यालय पहुंचकर कार्यभार ग्रहण किया। देखिए, जाहिर सी बात है, आप आज कह सकते हैं नया है, लेकिन चूंकि हम लोगों ने 2017 में जब आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में आई, तो दो अभूतपूर्व हज कराए हमने, जो पहले कभी कल्पना भी नहीं कर सकता था कोई। सेंट्रली एयर कंडीशन हुए हमारे सारे हज हाउसेज, और लो फ्लोर बसेस हमने मंगाई, आदमीन के रहने की व्यवस्था बेहतर की गई, उनके साथ अटेंडेंट जो आए उनको भी अच्छी व्यवस्था दी गई, और खास करके यहाँ से जो लोग जाते थे हज करने के लिए उनको परेशानी होती थी, उनके साथ खादिम रोजगार नहीं जाया करते थे, हमने उसकी व्यवस्था भी लागू करी है। तो उसको और बेहतर कैसे किया जाए, उन सुविधाओं को और बढ़ाया कैसे जाए उत्तर प्रदेश के आदमीन के लिए, क्योंकि 3 लगातार हज नहीं हुए हैं, जिसकी वजह से लोगों में अभी थोड़ा सा एक संशय बना हुआ है, क्योंकि इस बार हमारे पास लगभग 10,000 के आसपास लोगों ने अप्लाई किया है पूरे उत्तर प्रदेश से, लेकिन ये आंकड़ा हमारा आने वाले समय में रिकॉर्ड करेगा और बहुत बड़े पैमाने पर, क्योंकि उत्तर प्रदेश बड़ा सूबा है, उत्तर प्रदेश देश का 25 करोड़ की आबादी का उत्तर प्रदेश है, तो यहाँ से ज़्यादा आदमी जाया करते थे। जब 2 लाख आदमी हमारे हज के लिए जाते थे तो उसमें से ज़्यादा हिस्सा उत्तर प्रदेश का होता था, लेकिन अभी मुझे लगता है कि सभी जगह का ये हाल है कि पूरे देश में ही लोगों ने अपनी जो अप्लाई किया है वो इस दृष्टि से किया है कि शायद कहीं फिर ऐसा ना हो कि कैंसिल हो जाए। तो इस बार जब हज होगा और ये लोग जाएंगे हज पर आकर बताएंगे और लोगों में इत्मीनान बढ़ेगा, यकीन बढ़ेगा, तो अगली बार हम रिकॉर्ड हज कराएंगे उत्तर प्रदेश में, ये हमारा विश्वास।